वेलकम टू एडुजोस। भूगोल पार्ट टू, आपको हम इसमें सौरमंडल से संबंधित प्रश्न बताएंगे, जो अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, एसएससी के, सीएचएसएल, सीजीएल, सब में इम्पोर्टेंट हैं, रेलवे के एग्जाम में भी। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है, सूर्य को सौर परिवार का मुखिया कहते हैं। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो डायमीटर होता है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य में हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य जो हैं वो इस तरह से हैं, 71%, 26.5%, 2.5% इनका रासायनिक मिश्रण होता है। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो ठीक इसके उल्टे पूरब से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। यानी ग्रह जो हैं ये दो, शुक्र और अरुण, ये ठीक इसके विपरीत पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ। सूर्य से ग्रहों की दूरी का जो क्रम है वो इस तरह से, यानी जो सबसे नज़दीक है वो बुध है, और सबसे जो दूर है वो वरुण है। ये टोटल 8 ग्रह हैं। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह से। ग्रहों का जो अब आकार है, जो सबसे बड़ा है वो बृहस्पति है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और लास्ट में बुध है। यानी सबसे छोटा जो है वो आकार के हिसाब से बुध है। बुध को मरकरी कहते हैं इंग्लिश में। ये सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यानी जब नज़दीक है तो ये चक्कर भी सबसे कम समय में लगा देगा। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरा करता है, जो सबसे कम समय है। बुध का कोई सैटेलाइट, कोई उपग्रह नहीं होता। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो ये बुध के बारे में आपने देख लिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो आपका शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह है। जो एक स्टार होता है वो सीरियस, जिसको डॉग स्टार कहते हैं, वो स्टार होता है, वो ब्राइटेस्ट स्टार, चमकीला स्टार कहते हैं सबसे। अच्छा, जो शुक्र है इसका तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुक्र को सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% लगभग नाइट्रोजन होता है। शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, ये पृथ्वी के निकट का ग्रह है। वो शुक्र जो है वो आपको सबसे चमकीला ग्रह है, और स्टार जो है वो डॉग स्टार है। शुक्र को सांझ का तारा, इवनिंग स्टार या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था, हमने यहाँ पे आपको दिया ये क्वेश्चन। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सिस्टर ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, तो वो आंसर होगा शुक्र। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं होता। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, अर्थ जिस पर हम लोग सब जीवित हैं, जीवन यापन करते हैं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है ब्लू प्लैनेट कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा अर्थ या पृथ्वी। पृथ्वी पर 71% भाग जो है वो जलीय है, और बाकी 29% भाग जो है वो स्थलीय है। यानी जो ज़्यादा भाग है वो जलीय ही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसको सौर वर्ष कहते हैं। कई बार पूछा जाता है सौर वर्ष क्या है, या जो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, तो सौर वर्ष कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड पर पहुंचता है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है, तो ये चंद्रमा है। चंद्रमा जिसको मून कहते हैं, इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान, जो साइंस होती है जो चंद्रमा का अध्ययन करता है, उसको सेलेनोलॉजी कहते हैं।
चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा को होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। पूछा जाएगा चंद्रमा को डैश कहा जाता है और उसमें ऑप्शन होंगे सारे, तो जीवाश्म आपका आंसर होगा। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मंगल जिसको मार्स कहते हैं, ये लाल रंग लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग होता है क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है, बहुत अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड होता है, इसलिए इसका लाल रंग होता है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, मंगल यानी मार्स। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस जो है वो सौरमंडल परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। पूछा जाएगा डिमोस किसका उपग्रह है, तो ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो ओलंपस मोन्स है, जो मंगल ग्रह पर ही है। बृहस्पति जो है वो आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। बृहस्पति जुपिटर के पास जो सबसे ज़्यादा 63 उपग्रह होते हैं, बृहस्पति जिसको जुपिटर कहते हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं इसके पास, यानी मैक्सिमम सैटेलाइट है 63 है इसके पास। शनि जिसको सैटर्न आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है, शनि के चारों ओर एक छल्ला होता है जिसको वलय भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है चारों ओर छल्ला और वलय होता है, ये शनि है, इसकी प्रमुख पहचान है। शनि का रंग कैसा होता है, तो ये पीले कलर का होता है, पीला रंग होता है इसका। शनि सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 वर्षों में पूरा करता है, तो शनि सैटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो इस तरह से थे। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है, जहाँ पर यही एक ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों चीज़ें, एकमात्र उपग्रह है ये, और ये शनि का है टाइटन। अब अरुण जिसको यूरेनस कहते हैं, ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। अरुण जो है वो शुक्र की तरह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी अरुण और शुक्र है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जो पिछले हमने आपको बताया था, क्योंकि दोनों में देखिए यूरेनस वीनस नस लगा हुआ है, नस लगा हुआ तो ये पूरब से पश्चिम घूमेगा। अरुण अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ ग्रह दिखाई देता है। अरुण का आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसको बिना दूरबीन के नहीं देख सकते। अरुण जो है वो 82 डिग्री के आसपास लेटा हुआ है, झुका हुआ है। अरुण मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जैसे शनि में पाया जाता है छल्ला वलय, वैसे अरुण में भी पाए जाते हैं। इनका नाम है इस तरह से अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन। वरुण जिसको नेपच्यून कहते हैं, इस ग्रह की खोज 1846 में हुई थी, जॉन गाले ने की थी। वरुण को सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं, जिसे कोल्डेस्ट प्लैनेट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वरुण। वरुण नेपच्यून है, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं, सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। वरुण सूर्य की परिक्रमा लगभग 166 वर्ष में करता है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है इसको परिक्रमा करने में। यह पीले रंग का दिखाई देता है, वरुण जो है वो पीले कलर का होता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया हाइड्रोजन मीथेन नाइट्रोजन गैस की अधिकता होती है। अब नंबर आता है यम का। यम जो है वो प्लूटो के ग्रहों, यम जिसको प्लूटो कहते हैं, ग्रह की श्रेणी से इसको हटा दिया गया 2006 में। इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने प्राग सम्मेलन के में जो है सो यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। इसका कारण है कि आकार में चंद्रमा से छोटा है ये, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है, वरुण की कक्षा को ये काट रहा था, इसलिए इसको हटा दिया गया उस श्रेणी से। अब इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अब एक क्वेश्चन आता है, एक प्रकाश वर्ष जिसको लाइट ईयर बोलते हैं वो कितना होता है। 37,200 वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष होता क्या है, ये दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। गैनीमिड, पहले हमने आपको बताया था छोटा, ये गैनीमिड है जो जुपिटर के पास होता है, ये सबसे बड़ा है। और जो सबसे छोटा था वो डिमोस था, वो आपको मंगल ग्रह के पास था। वीडियो हमारा ये ख़त्म होता है, लाइक पसंद कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।